हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आनंद पाल बने प्रियंका चौधरी की गले की हड्डी। बाड़मेर की भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी का गैंगस्टर आनंद पाल की पहली बरसी से जुड़े एक कार्यक्रम में जाना उन्हीं के गले की हड्डी बन चुका है। आयोजन में भाषण के नाम पर आनंद पाल को आदरणीय बताने वाली प्रियंका चौधरी ने बाद में सफाई के नाम पर वीडियो जारी करके अब अपनी ही थूथू करा ली है। कुल मिलाकर मौजूदा तौर पर प्रियंका का इस आयोजन में शरीक होना और फिर सफाई जारी करते हुए वीडियो आजकल बाड़मेर के चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि हम लोग दान देने की परंपरा हमेशा से रही है। कोई घर का दान करता है, कोई श्रम का दान करता है, कोई जमीन का दान करता है, लेकिन रक्तदान सबसे बड़ा दान, क्योंकि यही एक ऐसा दान है जिससे हम किसी व्यक्ति की बाड़मेर में बदमाश आनंद पाल की फोटो पर फूल चढ़ाती प्रियंका चौधरी को लेकर समाज में कड़ा रोष है। उनकी फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, वहीं पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर मुखर हो गए हैं। प्रियंका चौधरी भाजपा सरकार पूर्व राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी की पोती हैं। वो वर्तमान में बाड़मेर के UIT चेयरमैन है और पिछली बार 2013 में BJP के टिकट पर बाड़मेर सीट से चुनाव भी हार चुकी हैं। इसी सीट से वह फिर टिकट के लिए दावा ठोक रही हैं। समाज को संगठित रहना चाहिए, समाज के आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले समाज शिक्षित हो और समाज संगठित हो। अगर ये दोनों चीजें आप किसी भी पढ़ाई करें, सारे नेता और लगभग एक ही जवाब। जागरूक टीवी ने इस संबंध में सबसे पहले जिला अध्यक्ष जालम सिंह रागलोद से फोन पर बात की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जिला महामंत्री बालाराम मूर से पूछा तो बोले मैडम वाला मामला प्रदेश स्तर का है, हमें पता नहीं। इस मामले में प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा से भी पूछा कि साहब आपकी सरकार ही एनकाउंटर करती है और श्रद्धांजलि भी आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, तो बोले कि भरतपुर में अभी हूँ, गर्मी में आया हूँ और मामला भी पता नहीं है। इस मामले को लेकर निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से भी पूछा तो बोले कि मैं अब क्या बोलूं, संगठन महामंत्री से पूछिए। कुल मिलाकर इस मामले पर कोई नहीं बोलना चाहता, यह अज्ञात भय क्यों है, यह भी बड़ा सवाल है। वहीं जब जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राजमंत्री दर्जा प्राप्त बाड़मेर के संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह राठौर से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने भी अब इस मामले में खुद को अनजान बताया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री दौरे में व्यस्त था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। नमस्कार। किसान एक भोली कौम होती है और आज ये फिर साबित हो गया। मैं दो दिन से ढाणियों में जनसंपर्क में लगी हुई थी, अचानक मुझे फोन आता है कि आपको रक्तदान शिविर में आना है और यह बिल्कुल नहीं बताया जाता कि वहां एक कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की बरसी मनाई जा रही है। फोटो तो सभी जगह फैलाई जाती है लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो किसी को नहीं बताई जाती। जिस तरह जाल फैलाकर एक किसान की बेटी को फंसाया गया, यह साबित करता है कि किसान कौम के भोलेपन का हमेशा फायदा उठाया गया। आनंद पाल एक अपराधी था और अपराधी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। रावणा राजपूत समाज को स्वयं भी ये समझना चाहिए कि जिस अपराधी को वो अपने समाज के शहीद सैनिकों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो क्या उन शहीद सैनिकों में और आनंद पाल के बीच में कोई अंतर नहीं है? और जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाया है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक जाट की बेटी हूँ और किसान कौम मेरे खून में बसता है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, लेकिन मैं किसानों की आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। तुम हमें अलग नहीं कर सकते और अब आगे से तो और जोर शोर से किसानों की आवाज उठाऊंगी। तुम्हारे हथकंडे खत्म हो जाएंगे पर मेरा यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।